राम राम जी सारिया ने। और सारे ठीक हो जी? उम्मीद करें जी सारे बिल्कुल ठीक हो गए, राजी हो गए, खुश हो गए, मस्त हो गए जी, यही उम्मीद है जी। आप खुश हो तो हम खुश हैं जी। और आज का व्लॉग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे कल फिनिश किया था। हाँ जी, जहाँ पे कल फिनिश हुआ था वहीं से स्टार्ट आज का व्लॉग, और आप इसको देखते रहना कंप्लीट। आज बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि दीदी बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं आपका व्लॉग देखने में, तो जी यूँ ही देखा करो और स्किप मत किया करो बिल्कुल भी। और लाइक शेयर कमेंट आपने तो बोल रखा है कि दीदी बोला मत करो, लेकिन वही थोड़ा सा अपना फर्ज निभाना पड़ा है, ठीक है? तो इसलिए बोल रहे हैं कि लाइक शेयर कमेंट कर देना। वैसे हमें पता है अगर हम नहीं बोलेंगे ना तो आपने तब भी करना है, ठीक है? तो लेकिन एक आदत सी बनी हुई है तो बोलने दो भाई, क्या हो गया एक ही सेकेंड तो लगती है बोलने में, ठीक है ना? तो जी देख लो अब इस व्लॉग में क्या क्या हो रखा है, कौन अलग हो गया, कौन सा जेमे है, और सा जेमे होने का फायदा है या अलग होने का फायदा है, देख लियो जी। जी सारे ना अपने आप एक्सपेरिमेंट करने से पहले मैंने देख लियो कि हाँ भाई साझे में कितनी खुश हूँ और अलग में कितनी खुश हूँ, ठीक है? वो कहते हैं ना एग्जाम्पल अगर पहले मिल जाए तो फिर सब सयाने हो जाते हैं, है ना? तो आप ऐसा मत करना, आप खुद भी कुछ सोचो करो, उससे पहले मेरे को देख लेना। तो अब आगे देखो जी व्लॉग को। ठीक है जी, आज ले लू दो सूट अच्छी तरह नीचे निकल। मोनिका तो होगी नैरी तो दोनों मन में पहनने है, मोनिका तो क्या थी सूट दिखानी है हमने, मोनिका दिखाओगे नहीं, दोनों सूट बहुत सुथरे सुथरे है। उनके कौन कहने आ रहे हो हैं? लेकिन तो दोनों अंश आऊंगी और मजे आऊंगे देखिए। हाँ तू मेरे बिना रह ना सकती। मैं? हाँ मेरा तू मेरे बिना ना रह सकती। मैं खुश हूँ, खुश ना 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 मैं बहुत खुश हूँ मोनिका। देख आज भी ना लगाना ना, नैरी हो रही है तू। आप लोग बताना कमेंट करके मुझे कौन से वाला सिलवाना है, मैं वही सिलवा लूंगी, दूसरा दुकान पे रखाऊंगी। सिलवा ले तू ही, माथा ना ला। मुंह देखो इसका, ओ मुंह देखो इसका मैडम का, न्यारी तो यह हो रही, मैं थोड़ी हुई हूँ। सिलवा ले तू। तू हाथ ना लाओ थी रे, तू का हाथ ना ला रही है, यह तो चुन्नी है जी बनारसी सूट है। मेरे सूट पर कलर ना खिला हुआ। अच्छा लग रहा है, सुथरा रंग है। मैं दीजिए भी सब जाए कनेरी ले। हाँ पकड़ पकड़ तो लूंगी, तू सब जा सकने नहीं उतरता। ये मन मेरे हाथ तेरे तना रहा है जा मेरे बिना, ठीक तो मैं इसका पाप ना करूं। अच्छा हाँ देख तो नहीं बताइयो की तना रहा है जाता। हाँ वो सब मेरा है, मन मेरा है जी, इससे कितना काम होगा के कुछ होगा, ठीक अलग हो पीछे तो फिर मेरा जी दुखी पाए रहेगा के फायदा है, तो फिर सब जाना है। हाँ उल्टी लगी है जी। देखो जी नैरी होंगी, नैरी होंगी सब जगह खा दिया, या खाना बना लेगी, मैं इतना बर्तन कर दूंगी दूध का कर दूंगी, आते टाइम में डबल काम हो गए ना जी। वो एक काम मैंने तो साझे में था वो ही अलग था, बल्कि अलग हो गया ज्यादा और हो गया, मैं तो साझे में ही रह लूंगी, ठीक है? अनु भी बताइयो, आज के इस ब्लॉग में एक सीख है, एक शिक्षा है, एक तरह
तो न्यू लगा लियो, कमेंट करके न्यू बताना है के सीख है, और अगर वह सीख है तो उसका क्या फायदा है, कमेंट जरूर करना है, आप सबने जरूर बतानी है यह बात। ठीक है, बीच बीच में इस तरह के ब्लॉग भी आया करेंगे जी अपने। ठीक है, मैं मतलब मैं यू देखू थी करके ना कि भाई ऐसा भी यू हो, थोड़ी देर में फील हो गया है मैंने कि ना भाई बहुत ही हो गया है सच में। हिमालय अलग अलग हो गए हम दोनों, तो ना ये अपना काम संभालन पावे ना मैं अपना संभालन पाऊ। आलू प्याज के परांठे बनाने लग रही हूँ जी, खा लो। सजे होने की खुशी में, हाँ सजे होने की खुशी में नहरी हो रही थी मैं, आ जाओ खा लो सारे। कोई तो नहरी होने की खुशी में हलवा बनावे, सजे होने की खुशी में परांठे बनावे। बना लिए परांठे, क्यों आधा घंटा हो गया बाहर देखते थे, एक भी नहीं आ रही थी, एक भी नहीं। यू क्यों कहो, एक भी नहीं आ रिया। ए मोनिका तू बावड़ी है, न्यू क्यों कहो, तू इधर न्यू कह ले बड़ा, और तू चका दे ना जी। कितने दे लिए मैंने, बाहर ले जा लिए मैंने, यू नहीं पता कौन कौन खा है, इन में कौन चिपका रहा है। देखी मेरा देवर बना के रखा होगा तुमने, क्या हुआ है बावड़ी, लो बनाओ ऑर्डर परांठी बनाओ है ना, बनाओ ये देख तू परांठा, हां वो परांठा ना पाओ, महापरांठा पाओगा वो, देखियो भाई आज पहली बार आप ही दिखावे है ये, आज परांठे यू बना रहे हैं हमने, क्या मेरा बनवाती होगी जब बता अगले दिन के स्त्री लोई बनानी है, मैं बनवाती होगी हां तू कड़ चंडीगढ़ में रहे है। देखो वाह, मतलब ना इतनी अच्छी तरह तक हो, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, सच में मतलब की है ना, आपका बहादुर से ला जाता होगा जब बनाते हो गए, बाहर रहने का फायदा है जी। ठीक है, देखियो कितनी अच्छी तरह, वाह वाह वाह, आराम से बो वो किस तरह मारा इनने देखे। ऐसे बनाते पराठे, अच्छा अब यार ये थोड़ा और बढ़ाओ इन्हें, ना तो गैरिश के अंदर ही होना होगा ना, अच्छा। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शट ऑफ, ओ ओ इसमें स्टफ नहीं भरा जाएगा, वाओ शेफ ये मारा इसमें कदा के देन है। आप मतलब के मन करे, आप मेरे तो सुनाता ही आए थे कि पराठे नहीं आए हैं अब तक, ये है वो है, अरे मैं नहीं बाहर जाना है कितने, अच्छा अरे खाते जाना है, अच्छा अच्छा ठीक है। अब आओ कते ऐसे तू क्या मान रहा है, मैंने क्यों करना खाना ना आता। देख आ देखो एक देखियो, ओ चलो जी आपके बदौलत मन्ने भी पता चल गया कि हाँ ये बना सके हैं, की बदौलत है मन्ने जा रहा बाहर इसलिए। ठीक है हाँ, बड़ा बड़ू लिया के तुमने, एक बार इसका पराठा देखिए, देख इन करी है एक बार इसका पराठा देखिए, मेरा पराठा देखिए तू, ठीक देखो जी मन्ने करना है जज, और मैं करूंगी खाकर स्वीट परांठे तो कौन खाओगा, देखियो देखा ओ तेरी ना बताता ले, बता दिया इतना ही मोटा बना पकेगा, अच्छी बात खाके देखी नहीं क्यों हो पुर बना, पर तेरे तो दूसरा खाया ना जा। मेरे जी ने यह मुश्किल है, बाण के ना बढ़िया बताओ, देवर के ना बढ़िया बताओ, अच्छा मेरे की शकल देखिए, देखिए शकल नहीं दिखी, देखो कितना अच्छा, साढ़े सात बजे थी बैठे फोन तो भाई साहब फोन कर ली, ये हमारी मम्मी लाग रही है खरीदारी करने, देखा जी दुकान आ गई ना हमारी गली में। यू दुकान आ जाती है हमारी गली में हर चीज की, क्या कमोल भाव करवाओ होमी, मंजन का करवाओ, मंजन का सुन ले देख ले ले सब रे देख लो देख ले हम कितनी इज्जत दिया हाँ सोनल तने, अग झाड़ू ले ले अपनी पसंद की ले, कह लेगी सोनल तो लेगी,
चार ले ले तो पीछे सूत के जगह ठीक से लाके तड़के तड़के बुनी काटे में इधर होता हूँ कि है ठाकत गिर दिए कि मैं खराब हूँ है आड़े चीज थोड़ी खराब हो जाएगी ले काट दे बेटा दोनों काट दे वाइपर ले रहा है झाड़ू ले रहा है एक ये है अच्छे ये पायदान ले रहा है प्लास्टिक की झाड़ू तो भी झाड़ू निकल जा रहे हैं कूड़े ना काट ठीक है जब वे भी ले लो सिक्का कुर्सिया बिल्कुल भी ना निकाल है क्यों नहीं निकाला ये या पता है किसके लिए हो है मोटे मोटा जो कचरा पड़ा हो ना उसने साफ करने का जिस तरह की दुकान दुकान होगी उनका कागज वागज है उनने साफ करने का ये हमारे फर्श पर तो वो मिट्टी निकालने का थोड़ी ना है ठीक से कितने रुपए लाने ही बता दो मंजना ही बता दे बेटा देख सही सही बता 220 रुपए ला दो बढ़िया दिखा दो 120 रुपए झाड़ू हैं 120 रुपए कहां है आज दिखाऊं फूल झाड़ू है क्या है फूल झाड़ू दिखा दे फिर कि छुपाए बैठा है छुपाने वाली बात नहीं ना सबको दिखाते नहीं ना आपने बोल दिया दिखा रहा हूं लो किसी को पता नहीं झाड़ू में या सवा 80 वाली झाड़ू 80 वाली नहीं 120 रुपए हम खुद बनवाते हैं कितने खरीद नहीं जाते हैं ठीक ये बनवा के लाते हैं खुद दिखाए तो किसी ने ये ना हो भाई ये लकड़ लकड़ पड़ जा सारी गारंटी है मेरी टेंशन मतलब मैं सा हूं देख कर रहना इसकी जो आपने लिया उससे बढ़िया झाड़ू हुई है? जो आपने लिया उससे बढ़िया झाड़ू है हरी राम जय राम से हो कुछ भी उससे मतलब ना है जो हरी राम गुलाब राय वाली झाड़ू है ना वो बहुत आप फिर वही बात देखने लगे है? चीज देखी जाती है जब हम लोग बनवा के लाते हैं ये नहीं किसी के खरीद के ले आते डायरेक्ट अपने सामने बनवाते हैं वो चला रहे हो इसको चलाना दिन गिन लेना हाँ झाड़ू सही चली है गलत चली ये बात विश्वास होता चलाने पे ऐसे देखने से कंपनी से नहीं होता दो काट देंगे ले लो मम्मी एक तो बरत के देख लो भाई ले ली चार एक चार बरत के दे दो आपकी है दो ले लो तो ठीक से ठीक लगा ले भाई बता कर लेगा एक और निकाली सी यार रेट बता रेट बता दिया जी रेट निकमों का फूल झाड़ू ये सोच लो क्या की बताई 120 120 इतनी महंगी थोड़ी है झाड़ू यहाँ 150 की मेरे पास ही खत्म हो गई दिखाता 150 वाली साड़ा पर आज माल नहीं है नहीं आपको दिखा देता 150 वाली कैसी है वो भी ऐसी थी इससे थोड़ा और भाई 70 रुपये ला ले क्या चीज 100 की भी नहीं है 70 के चक्कर में उतरो इतने फूल झाड़ू मार जाने अरे कोई ना फिर हम तो 60-70 वाली लिया कोई नहीं वही से लिया लो 60-70 ताले पाट दे 120 की झाड़ू इनके ले के आने हैं नीले खाने हैं के बात बताओ चारू ले लो ले लो मेरा पिए ले हमरे उसके 220 या एक का की होगी क्या नाम के 160 रुपए की है पहले दिया 100 की 50 रुपए की नहीं है 55 की लगा दिया मैंने आपको मत बिल्कुल एकदम जाए जंटी बुहारी बुहारी अपना मर्जा नहीं है बिल्कुल तौल लो एक आधा किलो एक 450 ग्राम बुहारी एक ध्यान रखना नहीं 350 ग्राम बुहारी आती है 40-45 रुपए ये भी ग्राम में तुल है या 20 नहीं बहुत दिन से ग्राम में आती है और क्या फूल झाड़ू भी ग्राम में आती है ये नीचे रख रहा है ये भी यही है जो आपके हाथ में ग्राम में आती है मेरा तौल कोई नहीं देगा अरे इसने तो बहुत महीने हो गए ये सो की चेयर सी भी दिखा दे अरे सुन मैं ले आऊंगी फिर कल आते हुए अन्य पर नहीं जब झाड़ू की जरूरत है तो ले लेना भाई इसका क्या करेंगे फिर वही बात है ना वही बोरे दिखा दे मैं ले आऊंगी फिर आते हुए यूं एक आ जाए अच्छे वाली आ जाए है ना
डेढ़ किलो तो 200 रुपये तो लेगा। अब पूछ लो तो जी इनकी सबकी रेट पे चल रही है, क्या रेट लगना है नहीं लगना है। मैं अपनी झाड़ू उठा कर अंदर चल पड़ी पैसे लेन और सोनल निगावे और कुछ लेना है नहीं लेना है। इस सारे ने जी हमारी तरफ से राम राम।